यार करियर को ढूंढते ढूंढते तो मेरे 12 बज गए, बट फाइनली वी हैव गॉट करियर एंड वी हैव नॉट जस्ट फाउंड करियर, करियर ने खुद हमें उसके द्वार पर बुला लिया है. सो गाइस टुडे वी आर हियर एट CEDP स्किल इंस्टीट्यूट विद अ मोटिव विद अ मिशन टू टॉक टू द स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट ब्रॉट देम टू CEDP स्किल इंस्टीट्यूट एंड हाउ इट इज हेल्पिंग देम टू परस्यू दैट करियर. सो गाइस लेट्स नॉक एट द डोर ऑफ करियर, शैल वी? आओ सिखाओ तुम्हें CEDP का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा. कहा जाता है HM के स्टूडेंट्स एट द एंड वेटर बन जाते हैं. ओके गाइस चिल. अच्छा सो कैन यू क्लियर दिस मिसकंसेप्शन फॉर द आम जनता? यस, एक्चुअली स्टूडेंट्स वेटर नहीं बनते, वो एक्चुअली कोई शेफ, कोई एग्जीक्यूटिव मैनेजर, कोई GM ऐसे पोस्ट पे रहते हैं. कोई ऐसा ये वेटर नहीं बनता, हर एक किसी का एम अलग अलग रहता है. सो हाउ डू यू फील व्हेन यू आर परस्यूइंग योर पैशन? वी फील वेरी गुड एंड आवर फैकल्टी इज वेरी गुड दैट दे हेल्प अस टू परस्यू इन वेरी गुड वे. इधर कहा जाता है कि सब लोग यहाँ पे एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, तो आपने कभी किसी को खाना खिलाया है? हाँ बहुत बार. और कभी किसी खाने में गड़बड़ की है? नहीं. मैम तो परफेक्शनिस्ट है, मतलब अभी कुणाल का हमारा यही है नेक्स्ट. बिकॉज आवर फैकल्टी इज बेस्ट. थैंक यू सो मच. आई फील गुड बिकॉज आवर फैकल्टी इज वेरी गुड, दे टीच अस एज सून एज जितना पॉसिबल हो सकता है वो हमको बताते हैं एंड एनी डाउट भी वो क्लियर करते हैं हमारा डाउट. और हमको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे हाउ टू कट, वी डोंट नो कितने तरह के वाइन थे बट हमको इधर आके बहुत चीज़ पता चला, वो हमको बहुत अच्छा लगता है. हमको न्यू चीज़ का हम वो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लाइक न्यू इंडस्ट्रीज, न्यू होटल्स, फाइव स्टार होटल्स में जाने का हमको मौका मिलता है एंड दैट फील गुड. फट से याद आया मैं एक बार घर पे कांदा काटा था. हाँ. और कांदा काटते काटते मैंने उंगली काट दी. बिकॉज आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया रूल्स, फॉर दैट वी हैव इंडस्ट्री हैव रूल फॉर दैट कटिंग चॉपिंग. वन इंसिडेंट जहाँ पे लाइक आप जब यहाँ पे स्टार्ट किया होगा तभी तुरंत तो आप परफेक्शनिस्ट नहीं बन गए होंगे, तो स्टार्ट में ऐसा कौन सा कुछ फनी इंसिडेंट हुआ था जो आपको याद आता है, आज भी आप वो इंसिडेंट याद करते हंसते हो, ऐसा कुछ हुआ है? सच में सर पहली बात ऐसा हुआ था कि जब भी मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था जब भी कुकिंग में ज़्यादा ऑयल गिर गया था, कभी ज़्यादा नमक हो गया था, प्रिपरेशन में गड़बड़ हो गया था, तो टीचर ने बोला था कि ऐसा भी मतलब बी परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करने के बाद वो परफेक्ट हो सकता है सर. तो CEDP ने आपको आपके ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट में कैसा हेल्प किया? सर जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे मतलब कम्युनिकेशन स्किल मतलब नहीं था. हाँ. और यहाँ पे आने के बाद एडमिशन लेने के बाद मेरे को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज मिला. हाँ. और मतलब इंडस्ट्रियल विजिट भी हुआ. राइट. सो आप लोगों से बात करके इतना तो पता चल गया कि आप लोग को आपका करियर मिल चुका है, बट आर आम जनता इज स्टिल कन्फ्यूज अबाउट देयर करियर. सो इफ एनी बडी वुड लाइक टू गिव एन आंसर टू द आम जनता, कोई बोल सकता है कि उनका उनका करियर कैसे मिलेगा? कैन आई? या श्योर. मेरा नाम गौरव गावड़े है. मैं CEDP में जब आया था, जब मेरे 12th ख़त्म हो गई तब मेरे को मालूम नहीं था कि मेरा करियर क्या है. तब मेरे रिलेटिव मेरे को बोले कि तू CEDP जा, CEDP एक ऐसे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 16 कोर्सेज बाकी है. तो मैं वहाँ पे जब यहाँ पे आया तब मेरे को तेजस पाटिल मतलब जो यहाँ के मैनेजमेंट मैनेजर है जो मुझे उन्होंने बताया कि तुझे कौन सा पैशन क्या है तेरा, तो मैंने बोला कि उनको होटल मैनेजमेंट मतलब खाना बनाना या कुछ खाने में जो कौन सी भी चीज़ें होती है वो मेरे को बहुत पसंद है. तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा पैशन है तो तू वही कर, हमारे पास वो भी कोर्स अवेलेबल है. तो मैंने अभी होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया है, अभी मैं फाइव स्टार होटल में ट्रेनिंग के लिए भी जाता हूँ. और ऐसी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे जो मुझे अदरवाइज किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती. तो मैं बाकी सबको यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें कौन सा भी कोर्सेस हो तुम्हारा, तुम CEDP में आके एक बार मतलब मीटिंग कर लो, बाद में तुम खुद कहो कि मैं यही पर एडमिशन कर लूँगा. CEDP इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट फॉर थाने या इन मुंबई. थैंक यू सो मच. ये तो थे होटल मैनेजमेंट के बंदे, अभी हम जाएंगे ऑटोमोबाइल के पास और उन्हें देखेंगे कि वो किस तेजी और किस रफ्तार से अपने करियर की ओर दौड़ रहे हैं. सो गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स कम टू द ऑटोमोबाइल सेक्शन. सो हियर आई एम 499cc 27.7 bhp प्रोड्यूसिंग 41.2 मीटर्स ऑफ टॉर्क विद अ टॉप स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर्स. This is a beefy engine when we have very sporty and beefy students with here over here who are pursuing their career in an automobile here only at CEDP. So guys, how are you? Fine. So
as you guys are pursuing your career in automobile, everyone must be having a favorite car. So what's your favorite car? Hyundai Venue. Tesla Roadster. Ford Mustang. Aston Martin. Nissan Chitia. Lamborghini Aventador SV. Okay, and you? BMW 3200D. Oh, that's too specific. Lamborghini Aventador SVJ. सबको Lamborghini पसंद है ना यहाँ पे हाँ? BMW. Lamborghini. Lamborghini. Yours? Maserati Levante. So guys, as I know you are, अरे किसी को bike भी पसंद है कि सबको खाली गाड़ी पसंद है? I'm personally a very big bike fan. And my favorite is BMW RR1000. S6, yes, S1000R. That's as sexy and as speed as it can be. Moving ahead, my question is, as you guys are driving your career towards success, what brought you to CEDP? And how is CEDP helping you in doing that? So anybody would like to answer that question? Yep, anyone? So how would you? यहाँ पे हम लोगों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलते हैं. यहाँ पे हम अपने खुद इंजन पे या किसी भी स्पेसिफिकेशन पे खुद काम करते हैं. यहाँ पे प्रोफेसर होते हैं गाइड करने के लिए, पर हम लोगों को खुद ऐसा सिर्फ ओपन मतलब बोलते हैं ना गाइड करते हैं अच्छे से, वही बाकी सब हम लोग करते हैं. जैसे दूसरे कॉलेज में जब प्रोफेसर आते हैं ओपन करते दिखा के फिर से बंद करते, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पे हम लोग खुद अपना सब करते हैं और सिर्फ प्रोफेसर हम लोग को गाइड करते हैं कि आप हम लोग ने कैसा काम किया है और उसके ऊपर हम लोग का रिजल्ट बनाते हैं. और यहाँ से हम लोग को अपने खुद के ड्रीम कंपनी या कार्स की कंपनी जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा है, इसलिए हम लोग CEDP पे है. ओके, सो आप तो ये सारे इंजन आपने खोले? हमने खोले पर बंद नहीं किया अभी तक. ओके, तो बंद करने को कुछ प्लान है? बात है. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, we have heard that you guys are getting a lot of practical theory knowledge and a lot of practical training. So how is that helping you in building your own skills, and how is that helping you in getting yourself better in the industry? Anybody would like to answer that question? मतलब हम लोगों को हर एक चैप्टर जब हम लोग खत्म होता है तब सर हम लोग को इधर प्रैक्टिकल रूम में आके एक हर एक को पर्सनली मतलब पता थे कि अगर हमको कोई डाउट्स भी रहेगा तो भी बताते. अभी पूरा इंजन का वो सब हम लोग को पूरा पता चला, मतलब जितना हम लोग कॉलेज में नहीं मिलता है करने को वैसे इधर हम लोग को पर्सनली सर हम लोग को बताते, इसलिए इसका एक प्लस पॉइंट ये है. सो आई बिलीव आपका ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज विद अ बैलेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज आपका स्किल ओवरऑल बहुत डेवलप हो रहा है, राइट? If I'm not wrong, so how can I let you know how skill is being imparted in you with this combination of practical and theoretical knowledge? Yeah, the persons who are taking 2 years of course or 1 year of course, they are getting, for 1 year of course, they are getting 6 months of OJT, on-job training, right, in their specific field. Like someone to go in Royal Enfield, they can go in Royal Enfield. Someone to go in Audi, they can go there. Mm-hmm. But here, the most of the focus is done on practicals. Right. So that's so why. How is this helping your skills? Like from when you came before and now, what is the difference in you? Can you explain that? Before we are known as only the person who knows car and favorite cars. Right. But now here we can know about the cars, the engines, how they work, how they are built, right, how to restore them, right, and how to make a car to a dream car. Right. That's all. So initially you guys were just seeing a car, looking a car. Now you are breathing a car. That's how you have been being developed over the years, right? So guys, here we are. These guys are having a fab time with their on-job training and their practical knowledge with a balance of theoretical knowledge. Now we are about to take a flight. And the flight is to the aviation course, which is there upstairs. So let's go. What are you waiting for? Let's go. Hello guys, what's up? And now we are here with amongst the beautiful people of the CEDP. They are dreamt to fly, they are dreamt to raise high. And you know who they are? They are the students of aviation industry. And yes, we are going to talk to them one by one, close to close, and let them know what they feel about the aviation industry. So guys, hum to ud gaye, is that your favorite song? उड़ती उड़ती खबर आई है कि करियर का एयरक्राफ्ट CEDP में लैंड हुआ है, एंड डू यू गाइस एग्री टू इट? यस। नाइस टू नो योर एनर्जी, नाइस टू नो योर एंथुसियाज्म, नाइस टू नो योर काम एंड कूल एटीट्यूड. यू गाइस आर फैबुलस. नाउ लेट मी नो, आप लोगों ने CEDP को अपने करियर के लिए क्यों चूज किया है? एनीवन? यस श्योर.
Because the most flabbergasting fact about the CEDP is they provide 100% placement over here. Okay. And the faculty is very best in teaching. Okay. That's what I was attracted over here. Okay. So before you came to CEDP, what were you guys doing? आप लोग अपने करियर में क्या कर रहे थे? What were you thinking before coming into the aviation industry? How did CEDP play an influential role over here? Anyone would like to answer that? Sir, before came I'm CEDP, I have lots of problem. I have not guts to talk with people and front of talk with people and make my personality development is not too good. But when I came in CEDP that time, I would realize it was very good and valuable for me. That's why CEDP is best for me and for us. Thank you so much. So guys, your faculty is superb. Yeah, she's smart, she's amazing. So, what is the greatest thing about the faculty? What is the utmost thing which you like about her? What is that? I would like to hear it. She's very friendly with us. Yeah. She said everything. Yeah. But she does, but she has traveled the whole world. And she is very friendly and she said everything. And she support us to do a different thing in our life, even in a personal life support. That's right. How did this aviation course affected your overall personality? How does it nurture your overall personality? Would anyone answer this? They improved my personality in like basic things like etiquettes, my English speaking, and many more things. So, but the most important thing was like I was not most behaved person. Now I am very behaved person, well-mannered person. Yeah. And that's why I'm now more mature and all. Okay. So is the change being noticed by your family members as well? Yes. And what is the kind of change they see in you now? I'm more punctual from before. Yes. And Mumbai local train ke aane se pehle to station pe aa jata hai. Yes. Yes. So this is my last question to you guys. How does it feel like learning in a plane? Because all I remember is learning in a classroom where we had really bad wooden benches and a slate which always used to keek. So how, your place is very interesting. Like, you know, you have real life immersive plane over here. And what do you feel like? How do you feel like learning in a plane? Anyone? Starting from you, ma'am. Very grateful experience. Okay. Because there is lot of things to learn. Yeah. And there is all the things are very interesting to learn about that. And also the overhead bins and all. That's why it's become interesting. And what is your overall experience when it comes to learning in such a thing? I know the seats are very comfortable. Yeah. Anything apart from that? Yes. I really can't explain myself because it is very grateful experience to being in this CEDP in aviation industry. Okay. So now we had a take from a beautiful lady. Now it's time to jump to a handsome man because we believe in equality. So sir, what's your take on this? Yes, it has overhead bin and it's a homemade bin. Means it is artificial, it is made in institute. Yeah. Yes, and so how does it feel like learning in a plane? It feel nice. Does it feel like a king? तुम लोग वही सड़ी हुई बेंचेस पे बैठे हो, देखो मैं यहाँ पे कंफर्टेबल सीट में बैठा हूँ एकदम. यस, वैसा फील होता है. ऐसा फील होता है? यस. और क्या फील होता है? So guys, thank you so much. That's a wrap from my end. My name is Prathamesh Desai. Do catch this video on CEDP's official channel. Bye bye. See ya. Phew. That was too much of hotness, don't you think so? जैसे कि आपने देखा, CEDP is not just an institute, it's a feeling. It's a feeling of completing your passion. यहाँ के सारे students ने तो अपना passion पा लिया है, क्या आपने पाया? Therefore, now it's time to unlearn your ABCDs and trust in CEDP.